गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा सैनी फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। और हमने चैप्टर टू पॉलीनोमियल्स में एक्सरसाइजेस की थी, और हमने हमारे लास्ट वीडियो में किया था कि हम फैक्टराइज कैसे करते हैं, कैसे अगर थ्री है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, मतलब थ्री टर्म्स है तो उसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, और अगर क्यूबिक इक्वेशन है जिसमें फोर टर्म है तो हम उसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, वो हमने सीख लिया था। अब आज हम कुछ पहले आइडेंटिटीज है वो सीखेंगे। देखो, ये जो फोर आइडेंटिटीज आपको दिख रही है, ये सब ये तो आप लोग जानते होंगे, आपने अपने प्रीवियस क्लास में भी आपने इन आइडेंटिटीज को पढ़ा होगा। एक्स प्लस वाई की जगह हो सकता है आपने ए प्लस बी पढ़ा हो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, तो कोई बात नहीं, एक्स प्लस बी लिखो या ए प्लस बी, वो बात वही रहेगी, तो वो आपको उससे कोई फर्क नहीं। अगर आपको ए प्लस बी की फॉर्म में याद है तो आप उसको वैसे भी लिख सकते हैं। देखो, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर x माइनस वाई का होल स्क्वायर। देखो, इसको कैसे रीड करेंगे, x प्लस वाई का होल मतलब पूरे का स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, और x प्लस ए एक्स प्लस बी होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। आपको ये आइडेंटिटीज तो आप जानते हैं, आपने पढ़ी हुई भी और इन पे बेस्ड आपने क्वेश्चन भी सॉल्व किए हुए हैं, तो ये चार आइडेंटिटीज तो आपको ये चारों आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, हमारे इसमें कुछ न्यू आइडेंटिटीज है। देखो, चार टोटल एट आइडेंटिटीज होगी, उनमें से फोर तो आपको पता है जो हमने हमारे प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ी हुई है, और जो फोर न्यू है वो भी इजी है, बस आपको थोड़ा उसको ध्यान रखने की जरूरत है। देखो, ये थी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो इसकी क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, ये है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है। तो आपको देखो इसे कैसे याद रखना है, तो देखो x, देखो पहले तो सबका स्क्वायर होगा, जैसे इसमें भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इसमें भी यही होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर क्या था, देखो टू एक्स वाई, तो ऐसे ही देखो टू एक्स, पहले देखो टू एक्स वाई होगा, ये एक्स वाई चलेगा, फिर वाई जेड और फिर जेड एक्स, बस ये लाइन वाइज टू टू टर्म चलेगी, कितनी कितनी टर्म चलेगी, टू टू टर्म। देखो पहले एक्स वाई फिर वाई जेड एंड देन जेड एक्स, तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये कैसे टर्म जा रही है। सबसे पहले क्या करोगे, याद रखने का तरीका है, तीनों का स्क्वायर x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर है, तो उसकी आइडेंटिटी याद रखने का तरीका है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, तो आपको बस ये याद रखना है। फिर है x प्लस y का होल क्यूब, x प्लस y का होल क्यूब क्यूब है, देखो अब याद रखना है स्क्वायर नहीं है क्यूब है, तो क्यूब में हमें पता है क्यूब का अगर पॉलीनोमियल भी होता है तो उसमें चार टर्म होती है, क्वाड्रेटिक की अगर इक्वेशन भी होती है तो उसमें थ्री टर्म होते हैं, तो देखो यहाँ पे थ्री टर्म है, और क्यूबिक है मतलब क्यूबिक की आपको पता है पॉलीनोमियल इक्वेशन भी होती है तो उसमें कितनी टर्म्स होती है, उसमें आपकी फोर टर्म्स होती है, तो यहाँ पे भी आइडेंटिटी में आपकी कितनी टर्म्स होगी, फोर टर्म होगी। देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, कोई लोग इसको ऐसे याद करेंगे ठीक है, और कुछ इसको ऐसे याद करेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, देखो ब्रैकेट ओपन कर दिया, प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर, तो दोनों सेम ही है आइडेंटिटी, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ये वाली आइडेंटिटी लगाओगे तो भी वही आंसर आएगा, ये वाली आइडेंटिटी लगाओगे तो भी वही आंसर आएगा, बस ये थोड़ी नीचे वाली इजी रह जाती है। देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर, बस आप देखो क्वाड्रेटिक में टू आता था टू एक्स वाई, क्यूबिक में है थ्री पावर है तो थ्री एक्स स्क्वायर वाई और थ्री एक्स वाई स्क्वायर, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। एक्स माइनस वाई का होल क्यूब है तो इसकी आइडेंटिटी होगी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, ये इसको देखो याद रखने का सिंपल तरीका है, कहाँ प्लस कहाँ माइनस, देखो अगर ये आइडेंटिटी आपको याद है तो इनके सिर्फ जो बीच में साइन है ये तो लास्ट टर्म्स हो गई, बीच की टर्म कह रही हूँ मैं, सिर्फ वहां माइनस है, बाकी लास्ट की दोनों में प्लस होगा, जो टर्म दो बीच में है उनमें माइनस बाकी दोनों प्लस, तो इसकी हो जाएगी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर, तो ये आपको आइडेंटिटीज याद रखनी। एक लास्ट आइडेंटिटी आपकी ये है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड, ये आइडेंटिटी ही है, ऐसे ही लिखा हुआ कुछ क्वेश्चन आता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड, तो इसकी आइडेंटिटी होगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड अलग से ब्रैकेट में और पूरा अलग से ब्रैकेट में आपके हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, वही चीज है, वहां पे देखो टू था यहाँ टू नहीं है, वो देखो ये वाली आइडेंटिटी थी ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, यही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, लेकिन यहाँ आपके टू था, यहाँ टू नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, और यहाँ पे देखो क्योंकि ये थ्री एक्स माइनस में तो यहाँ पे भी ये किस में होगा
माइनस में होगा, और ये टर्म क्या हो जाएगी, एक्स वाई जेड ब्रैकेट में रहेगी। आप चाहे इसको खोल के देख लेना, आपके वापस यही आएगा। देखो एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब, फिर एक्स वाई, फिर ये देखो टर्म, जैसे जैसे आप इसको खोलोगे ना तो कुछ कट हो जाएगी, और लास्ट में फिर ये थ्री एक्स वाई जेड ही आपके पास में रहेगा। ओके, तो ये आपको ऐसे करना है। अब हम हमारे एक्सरसाइज देखो, इस एक्सरसाइज 2.5 से पहले कुछ आइडेंटिटीज ही है, आपको ये आठवां आइडेंटिटी अच्छे से याद रखनी है, आपको आठवां आइडेंटिटी अच्छे से आपको याद होनी चाहिए। ये चार आइडेंटिटी तो आपको याद ही होगी, और ये आगे की चार और आपको याद करनी इजी है, दो तीन बार क्वेश्चन में पुट करके करोगे तो आपको अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अब हम एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। हमारे एक्सरसाइज 2.5 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज सूटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। हमें खुद को पहचानना है कि उसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, और फिर हमें फाइंड द प्रोडक्ट, क्योंकि ये देखो मल्टीप्लाई में है ना, तो हमें इसको वो करना है, क्योंकि ये देखो ये मल्टीप्लाई में, तो हमें इसको सॉल्व करना है, तो कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी लिख के रखे हुए है। देखो एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस टेन, कौन सी आइडेंटिटी याद आ रही है आपको? अपने आप सोचो अपने मन में कि एक्स प्लस फोर और एक्स प्लस टेन से हमें कौन सी आइडेंटिटी याद आ रही है। देखो जो भी आइडेंटिटी होना वो आप यहाँ लिख लो, सॉल्यूशन में जो भी आइडेंटिटी होना वो हम पहले ही लिख ले स्टार बना के, तो हमारे लिए क्या हो जाएगी, ये आइडेंटिटी जिसे हम याद रख सकते। देखो एक्स प्लस ए, और ये हो जाएगी एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटी ही मेरे को तो दिख रही है ना। तो देखो अब इसको सॉल्व करेंगे, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, यही होती है ना आइडेंटिटी। तो देखो यहाँ पे एक्स की जगह तो एक्स ही है, ए की जगह क्या है फोर, बी की जगह क्या है टेन है। बस अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बस आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करके हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखो ये वाली आइडेंटिटी है, आप चाहो तो ये वाली चीज यहाँ लिख सकते हो, वरना डायरेक्ट चलो लिख ही लो। क्या लिखेंगे, x प्लस फोर एक्स प्लस टेन इक्वल टू, देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए की जगह फोर बी की जगह टेन प्लस एक्स प्लस ए बी, मतलब ए की जगह फोर बी की जगह टेन, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस फोर मल्टीप्लाई टेन फोर्टीन मल्टीप्लाई एक्स फोर्टीन एक्स प्लस फोर टेन जा फोर्टीन, विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, यही आंसर होगा। आगे हो गया ये क्या सॉल्व, हमें आगे सॉल्व नहीं करनी, हमें सिर्फ फाइंड द प्रोडक्ट बोला है, मतलब उसको सिर्फ इतना ही सॉल्व करके इसको छोड़ देना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में भी आइडेंटिटी तो मेरे हिसाब से यही लग रही है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, जितना क्वेश्चन में आप जितनी बार आइडेंटिटीज लिखोगे आपको उतनी ही ज्यादा अच्छे से आइडेंटिटीज याद होगी, तो आप आइडेंटिटीज लिखते जाइए। देखो यहाँ एक्स की जगह एक्स है, आपके लिए ए की जगह एट हो जाएगा देखो, और बी की जगह देखो, ये तो यहाँ प्लस प्लस में था तो हमने डायरेक्ट लिखा, यहाँ बी में टेन माइनस में है, टेन किस में है माइनस में, तो आप बी की वैल्यू लिखेंगे माइनस का टेन, क्या लिखेंगे आप बी की वैल्यू, माइनस का टेन। अब देखो ये लिखेंगे एक्स प्लस एट एक्स माइनस टेन इक्वल टू, देखो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, देखो ए प्लस बी, तो ए की जगह तो आप लिखेंगे एट प्लस बी की जगह ब्रैकेट में माइनस का टेन प्लस ए बी, तो ए की जगह एट बी की जगह माइनस का टेन। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, देखो प्लस माइनस माइनस, एट माइनस टेन या माइनस का टू हो जाएगा, क्योंकि बड़ी डिजिट माइनस की तो साइन किसका आएगा, यहाँ पे एक्स भी लिखना है, यहाँ आप एक्स लिख देना, एक्स ठीक है, तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा, और एट टेंजा एट्टी, एट्टी किसका आ जाएगा माइनस का एट्टी आपके यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का टू एक्स प्लस माइनस माइनस का एट्टी, ये आपके इसका सोल्यूशन हो जाएगा। बस आपको आइडेंटिटी लिखनी है, अगर वैल्यू ऑलरेडी प्लस माइनस आइडेंटिटी में ही है और उसमें भी वही है तो आप सेम लिखोगे, वरना जैसे यहाँ देखो आइडेंटिटी अपने पास प्लस की थी लेकिन यहाँ माइनस आ गया, तो अपन ने वैल्यू को किस में ले लिया, माइनस में। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ओके नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन है, देखो वाई स्क्वायर प्लस थ्री बाई टू वाई स्क्वायर माइनस थ्री बाई टू, इससे आपको कुछ आइडेंटिटी दिख रही होगी, देखो क्या आइडेंटिटी दिख रही है, देखो ये हो जाएगी ए प्लस बी, ये हो जाएगी ए माइनस बी, क्योंकि वैल्यू सेम है बस प्लस माइनस का फर्क है, तो या आप इस आपकी आइडेंटिटी में एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है तो हम इसको एक्स प्लस वाई लिख लेते हैं। ओके
हमने x प्लस वाई से लिख किया तो हम x प्लस वाई लिख लेंगे, कोई बात नहीं। x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे x की जगह है आपके y स्क्वायर खुद है, ध्यान रखना, और y की जगह है 3/2। अब देखो हम यहाँ पे प्लस का क्यों ले रहे हैं, तो देखो आइडेंटिटी में ऑलरेडी प्लस की जगह प्लस है, माइनस की जगह माइनस है, तो हमें कोई साइन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखो ये आइडेंटिटी लिखेंगे यहाँ पे, y स्क्वायर प्लस 3/2 y स्क्वायर माइनस 3/2, ये हो जाएगा y x स्क्वायर, मतलब y स्क्वायर तो ऑलरेडी है, वैल्यू है ये x की, इसकी जगह लगाएंगे स्क्वायर, माइनस y स्क्वायर मतलब 3/2 का स्क्वायर, क्योंकि y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3/2 है। y स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, y की वैल्यू 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ये हमने इसको भी कर लिया सॉल्व। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, इवेल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग, हमें बिना मल्टीप्लाई किए, मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें इसमें आइडेंटिटी यूज करके इसको सॉल्व करना है। देखो आइडेंटिटी यूज करनी है इसमें, देखो 107 प्लस 103 मल्टीप्लाई 107 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो देखो इधर मैं 103 को ये लिख सकती हूँ क्या, 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7 लिखा मैंने, ठीक है बिल्कुल लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये लिखा, अब ये आइडेंटिटी कौन सी बन गई है, x प्लस ए एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटी बन गई है, ठीक है। तो क्या होती है आइडेंटिटी, x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, यहाँ पे x की जगह क्या है 100, a की जगह 3, b की जगह 7, है ना। अब वैल्यू ये रखेंगे इसमें और पुट कर देंगे कि 103 मल्टीप्लाई 107 इक्वल टू, पहले आप यहाँ लिखोगे 100 प्लस 3, यहाँ लिखोगे 100 प्लस 7, फिर यहाँ हम आइडेंटिटी लिखेंगे 100 का स्क्वायर प्लस, देखो a प्लस b 3 प्लस 7 x, x की वैल्यू कितनी है 100 प्लस ए बी, मतलब 3 मल्टीप्लाई 7, 100 का स्क्वायर कितना होगा, यही होगा 10,000 प्लस 3 प्लस 7 21 में 100 अपन प्लस करेंगे और 3 7 20 मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, आपको यहाँ प्लस करना है, 3 प्लस 7 हो जाएगा 10, देखो 10,000 प्लस 10 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा 1000 प्लस 21। अब देखो अगर आपको कंफ्यूजन होता है डायरेक्ट ऐड करने में, तो आप पीछे देखो, फर्स्ट डिजिट 0 1 1 1 हो जाएगा, 2 प्लस 0 प्लस 0 2, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1 1, हो जाएगा 11,000। देखो 10,000 प्लस 1 11,000 प्लस 21 11,021, तो आंसर कितना हो जाएगा 11,021। फिर भी कंफ्यूजन होता है तो वैसे बच्चों के जैसे प्लस लिखे कर लेना, इसका ये आंसर आएगा 11,020। ओके नेक्स्ट, 104 और 96 को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो 104 को तो मैं लिख सकती हूँ 100 प्लस 4 और 96 को लिख सकती हूँ 100 माइनस 4, लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती हूँ। अब देखो ये आइडेंटिटी बन गई x प्लस वाई और ये बन गई x माइनस वाई, ठीक है। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है। तो अब देखो यहाँ पे x की जगह क्या है अपने लिए 100 है, y की जगह क्या है 4 है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे 100 प्लस 4 100 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000 माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, 10,000 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, देखो ऐसे तो 9,084, बट हमें कैसे करना है, अगर आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो देखो 0 माइनस 6 4, 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 1 8, 0 का 0 10 में से 1 दे दिया तो ये कितना बचा
9084 कितना बचेगा 9084 डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो आप करके देख लो, और फिर भी आपको लगता है कि हमारा आंसर गलत है तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपके पास अगर टाइम हो तो आप उसको मल्टीप्लाई करके आप इसको देख सकते हैं। एग्जाम इतना टाइम होता नहीं है तो आप अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे तो आपको बस थोड़ा कैलकुलेशन पे आपको ध्यान रखना है। अब कोई कोई इसको 100 का स्क्वायर है तो कोई 100 ही लिख देगा, कोई 1000 ही लिख देगा, बस ध्यान रख के आपको इसे बस इन चीज का ध्यान रख के आपको सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अब ध्यान रखना इसमें जो क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको ये फर्स्ट करवाया है, फोर्थ करवाया है, तो आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट और फोर्थ करवाया है मैंने, और एक और करवाया है, ये भी करवाया, तो जो मैंने नहीं करवाया ना जैसे थर्ड और फिफ्थ, ये आपको अपने आप करने, ध्यान रखना जो मैंने नहीं करवाया वो आपको अपने आप करने, जैसे इसमें मैंने फर्स्ट करवा दिया, इसमें मैंने थर्ड करवा दिया, सेकेंड आपको अपने आप करना है। देखो ये क्या हो जाएगा, 100 - 5, 100 - 4 सेम आइडेंटिटी, ए प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, और फिर आपको उसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, हमें फैक्टराइज तो करना है, जैसे हमने फैक्टराइज किया किया था हमारे लास्ट वीडियो में सीखा था कि फैक्टराइज तो करना है लेकिन हमें आइडेंटिटी यूज करके उसे फैक्टराइज करना है कि इसमें आपको आइडेंटिटी यूज करके ही अपन को फैक्टराइज करना है। तो देखो आइडेंटिटी यूज करेंगे, देखो ये क्या हो जाए, देखो अब कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट नंबर देखो और लास्ट नंबर, बीच वाला नहीं, फर्स्ट और लास्ट एक बार आपको देखना है। 9x square, क्या ये किसी का स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा है? देखो ये पहले x प्लस, देखो हमने जो फर्स्ट सारी आइडेंटिटी सीखी थी इसमें अपन फर्स्ट आइडेंटिटी कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपकी ये चार आइडेंटिटी में से ही कोई एक इसमें लगेगी। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट आइडेंटिटी ये ना इससे स्टार्ट करो, क्या है एक्स प्लस वाई है का होल स्क्वायर है, तो ये देखो क्या इसमें ये आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, लगा के देख लेंगे। देखो 9 का क्या, 9 को हम लिख सकते हैं कि 3x का होल स्क्वायर, 9 को मैं लिख दूंगी 3 का स्क्वायर और ये x स्क्वायर, तो इसको हम लिख देंगे 3x का होल स्क्वायर, लिख दिया। अब एक बार बीच वाली टर्म नहीं लिखनी है आपको, अभी बीच वाली टर्म नहीं लिखनी, ये यहाँ पे करके ऐसे छोड़ो, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वाई का होल स्क्वायर, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर यहाँ टर्म होती है 2xy, एक्स की जगह क्या है 3x, y की जगह क्या है y, बन गई ना देखो, और सॉल्व करने पे 3 to the 6xy यही आ रहा है। तो ध्यान रख के आपको करना है, फर्स्ट टर्म उसका स्क्वायर, लास्ट टर्म का स्क्वायर और बीच वाली टर्म बाद में लिखने की, हाँ 2xy हमने फिर लिखा और फिर स्क्वायर से आपको सॉल्व करना है। तो ये वाली कौन सी आइडेंटिटी लग गई इसमें, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ देखो x की वैल्यू कितनी है 3x, y की वैल्यू तो y ही है। देखो जब हम इस आइडेंटिटी से ये चीज ओपन कर सकते हैं तो ओपन से चीज क्लोज भी तो होती है ना, हम इस पूरे की जगह हम ये भी लिख सकते हैं। तो देखो आप यहाँ ये लिखोगे 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 3xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स की जगह क्या है 3x प्लस y की जगह क्या है y का होल स्क्वायर, तो इसके दो फैक्टर्स हो जाएंगे 3x प्लस y, क्योंकि पावर 2 है ना होल की, तो इसको हम पूरे को दो बार लिख देंगे, तो ये दो इस इक्वेशन के फैक्टर हो जाएंगे, वरना हमें फैक्टराइज वाला मेथड पता है। क्या करोगे दोनों को मल्टीप्लाई और इस तरह से टर्म को क्या करोगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए और ऐड करने पे 9 आ जाए, तो 3 और 3 ही होंगे, वही टर्म हमें दिख रही है कि 3x plus y 3x plus y। नेक्स्ट देखो 4y square plus 1, बिल्कुल किसी का स्क्वायर लग तो रहा है, 4y को हम लिख देंगे 2y का स्क्वायर माइनस बीच वाली टर्म को छोड़ देना है प्लस 1 का स्क्वायर, वैसे भी 1 ही होता, और देखो माइनस तो होती है 2, x की जगह 2y, y की जगह 1, तो 2 to the 4y आ रहा है और 1 का 1 तो रह ही रहा है, ठीक है। तो मतलब ये वाली कौन सी आइडेंटिटी हो गई है, x माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी हुई ना, यहाँ x की जगह क्या है 2y बट y की जगह क्या है 1, बस हमें ये वैल्यू पुट करनी और हमारा आंसर आ जाएगा 2y का होल स्क्वायर माइनस 2
टू वाई वन प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखो एक्स माइनस वाई, एक्स की जगह टू वाई माइनस वन का होल स्क्वायर, तो इसके टू फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, टू वाई माइनस वन, टू वाई माइनस वन। ओके आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये फैक्टर्स मिल जाएंगे। बस आइडेंटिटी का ध्यान रखना है, थ्री टर्म है तो थ्री टर्म में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वही होती है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, फिर हम उसे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट, जैसे इसमें टू टर्म्स ही है, इसमें थ्री टर्म नहीं है, इसमें कितनी टर्म है, टू टर्म है, तो क्वाड्रेटिक में टू टर्म की दो आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है ना, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। एक आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आइडेंटिटी क्या है इसकी, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, यही है। इसको देखो यहाँ पे देखो एक्स की जगह क्या है, एक्स ही है, बट वाई की जगह है वाई बाय, पहले इसको ऐसे लिखना पड़ेगा कि देखो एक्स स्क्वायर को तो हम एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे, माइनस वाई हंड्रेड को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, टेन का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना हंड्रेड को हम टेन का स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स की जगह तो एक्स रहेगा बट y की जगह आ जाएगा y बाय, y की जगह क्या आ जाएगा y बाय टेन आ जाएगा। ओके तो अब वैल्यू पुट कर लो, देखो x प्लस वाई तो x प्लस y बाय टेन, ये हो जाएगा x माइनस y बाय टेन, ये दो इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। तो आपको इसे इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्या बोला है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, देखो कि एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज, हमें आइडेंटिटीज यूज करके इसे सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन नंबर थ्री के तो मैंने आपको तीनों करवा दिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमें इसकी सूटेबल आइडेंटिटी यूज करके हमें इसे सॉल्व करना है। तो ठीक है देखो फर्स्ट ये है, कौन सी आइडेंटिटी है, ये दिख रही होगी आपको आइडेंटिटी, तो शायद x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, क्या आइडेंटिटी होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू एक्स जेड या जेड एक्स, एक ही बात, एक्स जेड या जेड एक्स, देखो देख लो, अगर आपको कंफ्यूज होता है आइडेंटिटी में तो आप एक दो बार देख के लिखेंगे फिर आपको देखो याद हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स, ये लिखी है मैंने भी, जेड एक्स लिखो या एक्स जेड की बात होगी। ठीक है अब यहाँ देखो एक्स की जगह तो एक्स है, वाई की जगह टू वाई है और जेड की जगह फोर जेड है। ठीक है बस आपको ये ध्यान रखना है, एक्स प्लस टू वाई प्लस फोर जेड का होल स्क्वायर। ठीक है अब यहाँ वैल्यू पुट करो, देखो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर मतलब टू वाई का होल स्क्वायर, जेड का स्क्वायर मतलब फोर जेड का होल स्क्वायर, टू एक्स की जगह एक्स, वाई की जगह टू वाई प्लस टू वाई जेड, वाई की जगह टू वाई, जेड की जगह फोर जेड प्लस टू एक्स की जगह एक्स, जेड की जगह फोर जेड। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर फोर, वाई का स्क्वायर वाई, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, जेड स्क्वायर का जेड स्क्वायर प्लस देखो टू टू जा फोर एक्स वाई प्लस टू टू जा फोर, फोर फोर जा सिक्सटीन वाई जेड प्लस फोर टू जा एट एक्स जेड, बस यही होगा। इसमें कोई टर्म प्लस माइनस तो मुझे होती भी दिख नहीं रही है, सारी प्लस की और कोई भी टर्म सेम नहीं है, तो ये इतना ही रहेगा। फोर्थ का देखिए नेक्स्ट आइडेंटिटी तो वही है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, आइडेंटिटी तो वही है ना, ये चेंज हुई है आइडेंटिटी तो वही है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, क्या आइडेंटिटी होती है भाई, एक्स और बोल बोल के आप लिखोगे तो आपको जल्दी याद होगा, आपको बोल बोल के ही लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स। ओके अब देखो यहाँ एक्स की जगह है थ्री ए, वाई की जगह देखो हमें तो आइडेंटिटी प्लस में पता है लेकिन यहाँ साइन माइनस में भी आ रहा है, ये तो प्लस का था प्लस लिख दिया, वाई की जगह माइनस में आ रहा है तो आप इसको माइनस का सेवन भी लिख दो कोई बात नहीं, और जेड की जगह हो जाएगा माइनस का सी, बस वैल्यू में हम माइनस में पुट कर देंगे, आएगी तो वही वैल्यू, बस उसको किस में पुट कर देंगे, हम माइनस में उसको हम पुट कर देंगे। ओके तो अब देखो
3a - 7b - c का होल स्क्वायर। तो देखो x स्क्वायर मतलब 3a का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर मतलब -7b का होल स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर मतलब -c का होल स्क्वायर प्लस 2। x की जगह रखेंगे 3a, y की जगह रखेंगे हम माइनस का 7b प्लस 2 yz, y की जगह -7b और z की जगह -c प्लस 2। z की जगह रखेंगे हम -c और x की जगह तो 3a ही आपका रहेगा। ओके अब देखो 3 का स्क्वायर 9, a स्क्वायर का a स्क्वायर। अब आपको ये भी पता होगा कि कोई टर्म माइनस होती है तो -1 का स्क्वायर जैसे +1 होता है तो ये भी माइनस का है तो इसका स्क्वायर आके ये तो बन तो प्लस में ही जाएगा। तो 7 का स्क्वायर 49, बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, सी स्क्वायर का सी स्क्वायर। अब देखो प्लस 2 3 6, 6 7 42, लेकिन प्लस माइनस माइनस का 42b प्लस 7 2 14। अब देखो माइनस माइनस तो ऑलरेडी ये प्लस हो गया तो ये वाली टर्म तो किस में हो गई, प्लस में, क्योंकि माइनस का बी, बी को जब आप माइनस के सी से मल्टीप्लाई करोगे तो बी सी बनेगा, लेकिन जो माइनस माइनस है वो प्लस हो जाएगा तो 7 2 14 बी सी बनेगा। प्लस 2 3 6, प्लस माइनस माइनस 2 हो जाएगा माइनस का 6 सी ए, माइनस का 6 सी ए, तो ये आपका बनेगा 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 42b प्लस 14bc। एक सेकेंड, ए तो मैंने इसमें ए भी आएगा ना, ए भी होगा यहाँ पे, आप 3 2 6 6 7 42 माइनस का 42 ए भी होगा यहाँ पे, माइनस का 42 ए भी होगा, है ना, का 42 ए बी, तो यहाँ पे भी हो जाएगा ए बी, प्लस 14 बी सी प्लस माइनस माइनस 6 सी ए, तो यही आपका आंसर इसका होगा। ओके अब देखो इसमें मैंने आपको एक तो ये करवा दिया और एक ये करवा दिया, ये चार आप अपने आप करेंगे, कोशिश करेंगे अपने आप करने की। फ्रैक्शन में है कोई बात नहीं, आपको फ्रैक्शन में तो भी आप ही को सॉल्व करना और इजी है वो, 2 से 2 कट हो जाएगा, ठीक है, तो वो आप कर लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 5 से हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किया है, नेक्स्ट इसी एक्सरसाइज के हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। ओके तब तक के लिए बाय।